वीडियो देखने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स आने वाले हैं। और वीडियोस के अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों, सीरीज वाला एपिसोड फाइनली आ ही गया बहुत दिनों बाद। तो आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि आप भूल गए होगे लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आपने देखा था टेरर अपने पुलिस वाले भाई सिंघम के साथ मिलकर ग्लेशियर वुमन को पकड़ने के लिए काला दी गैंगस्टर को विकेंडी बुला लेता है, और सिंघम का बॉस भी सिंघम को मारने के लिए ग्लेशियर वुमन को ढूंढता है। बबलू उसको ग्लेशियर वुमन का पता बताता है और वो जाकर उससे सिंघम को मारने का काम सौंपता है। पर ग्लेशियर वुमन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। काला दी गैंगस्टर टेरर और सिंघम पहुँच जाते हैं और ग्लेशियर वुमन को काला दी गैंगस्टर जेल में डलवा देता है। पर सिंघम उसको जेल में डालने की बजाय उसको 10 पुलिस वालों के मारने के जुर्म में उसका एनकाउंटर कर देता है। दूसरी तरफ फैरो ने भी बहुत से ममी मार दिए थे, तो ममी गैंग की हेड बोन्स ऑफ बलड वहाँ पे एंट्री मारती है, जिस पर एक्स वेपन का कोई असर नहीं होता। आज देखेंगे आगे क्या होगा। एक बार ग्लोब गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाला एपिसोड देखने के लिए। और चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर जरूर से कर देना। ग्लेशियर वुमेन को तो मैंने मार दिया, अब मेरे उस गद्दार बॉस की बारी है जिसकी वजह से उन पुलिस वालों की जान गई। अगर वो हथियार ना बदलते तो शायद वो 10 पुलिस वाले उन तीनों को मार देते, पर उसको मारूं तो मारूं कैसे? आइडिया, उसको मैं खुद नहीं मारूंगा। अगर मैंने उसको मारा तो खतरा हो सकता है, मैं उसको टेरर भाई से मरवा दूंगा, वो भी उसका एक्सीडेंट करवा कर, जिससे किसी को शक भी ना होगा। टेरर भाई, हमने ग्लेशियर वुमेन को तो पकड़ लिया, अब बारी उस मेरे गद्दार बॉस की है। उसको हम जेल में नहीं डाल सकते, पर सीधा ऊपर पहुंचा सकते हैं। अबे सीधा ऊपर कैसे पहुंचाएगा? तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर गलती से भी किसी ने देख लिया तो। इसलिए तो उसको मैं नहीं आप मारोगे, वो भी उसका एक्सीडेंट करवा कर, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा। अरे यार, तू क्यों बेवजह पंगे ले रहा है उससे? भूल जा जो भी कुछ हुआ। वैसे भी ग्लेशियर वुमन तो पकड़ी गई अब। नहीं टेरर भाई, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर ये आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा, चाहे बेशक मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, उसकी वजह से ही पुलिस वालों की जान गई थी। चल ठीक है, ज्यादा शैंटी मत हो, मैं कर दूंगा काम। बता क्या करना है, क्या प्लान है? अरे बड़ा इजी काम है ये तो। बस उसकी गाड़ी को टक्कर ही तो मारनी है, फिर वो अपने आप ही गिर के मर जाएगा फूट के। ऐसे ऐसे तो बहुत से खेल किया हमने ये रेंगड़ में। ठीक है भाई, कर देना आप, मैं तब तक उस पर नजर रखता हूँ, आपको खबर देता हूँ जब काम को अंजाम देना होगा। चलो हो गया काम, अब सिंघम के बॉस का भी काम खत्म। पर यार मुझे तो अभी तक एक बात समझ नहीं आई, उस सिंघम ने मुझसे इसे क्यों मरवाया? तो चलो छोड़ो, निकलो जल्दी यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यार ये बोन्स ऑफ ब्लड क्या चीज आ गई, इस पर तो मेरे एक्स वेपन का भी असर नहीं हुआ। लगता है इसकी पावर सही में एंसेंट वाली है, जिस पे ये एडवांस एक्स सूट की पावर तो काम ही नहीं कर रही। आइडिया, क्यों ना मैं उस ब्लड बेबी से ही बात करके अपने साथ मिला लूँ, फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। न्यू पावर्स के साथ में ओल्ड पावर्स इज इक्वल टू तबाही। हा, जाकर देखता हूँ कहाँ है वो, उससे बात करके मामला सुलटा लेते हैं। अरे बॉस बॉस, ताज़ा खबर सुनो, वो फैरो का एक्स वेपन है ना, उसका हमला देखकर आया हूँ। कोई नई पावर वाली मम्मी आई है जिसके साथ फैरो की लड़ाई हुई। ओ क्या मम्मी आई है? ये कौन सी नई बात है, फैरो की तो है ही है मम्मी गैंग, उसको तो मारता रहता है वो। अरे पर वो मरी नहीं ना, वो तो एकदम बदल गई, उसकी मम्मी वाली ड्रेस एकदम से लाल लाल ड्रेस में बदल गई, और फैरो के एक्स वेपन का कोई असर भी नहीं हुआ उस पे।
अच्छा, इसका मतलब कोई नई पावर वाली मम्मी हो सकती है। चलो फिर उसको चलकर अपनी गैंग में शामिल करते हैं। अगर वो अपने साथ मिल जाए तो हम फैरो को हरा सकते हैं। नहीं काला भाई, वहां मैं जाऊंगा उससे बात करने, उसको अपने साथ मिलाने की, क्योंकि वहां वो अकेली नहीं होगी, साथ में फैरो और पोसाइडन भी हो सकते हैं। अरे फैरो के साथ तो झगड़ा ही हुआ था उसका, फैरो तो गायब हो गया था उसके सामने से। फैरो गायब नहीं हुआ होगा, वो दिमाग लगाकर काम करने लगा है अब, इसलिए सोच रहा होगा अगला प्लान। वहां मैं ही जाऊंगा, देखूंगा अब क्या होता है उनके पास। हाँ ठीक है ब्लड रेवन, तुम जाओ और देखो बात बने तो। अच्छा तो इन चमत्कारी शक्तियों की बात कर रहे थे वो बाबा जी, यही है जिसकी मदद से मैं अपनी पावर्स वापस ले सकता हूँ। बस एक बार ये मेरे साथ मिल जाए फिर मैं इसके साथ मिलकर उस एक्स वेपन को ही ख़त्म कर दूंगा, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। हेलो जी, माई सेल्फ पोसाइडन, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस फेरो को भगाया था ना, वो बहुत सही किया आपने। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारी बनती नहीं आपस में। अब वैसे माई सेल्फ बीबी, प्यार से सब मुझे ब्लड बीबी बोलते हैं। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, इस फेरो के पास जो एक्स वेपन है वो हम तीनों एक्सूट वालों ने मिलकर बनाया था, पर वो अकेला उस पर कब्जा करके बैठा है, और बचे हम दो एक्सूट वाले, हमारी तो पावर्स भी ख़त्म हो गई। अगर आप हमारी मदद करो तो हम उस एक्स वेपन को ख़त्म करके अपनी शक्तियाँ वापस ले सकते हैं। तुमको क्या लगता है मैं इधर सबसे लड़ने आई हूँ? ये फेरो मम्मी गैंग वालों को कुछ ज़्यादा ही मार रहा था, मेरा काम तो बस उसे रोकने का था। अब काम खत्म हुआ तो मैं भी वापस जा रही हूँ यहाँ से। मैं समझ सकता हूँ, पर आप अगर हमारी हेल्प करोगे तो हम उस वेपन को ख़त्म कर पाएंगे जिससे हमें हमारी पावर्स मिल जाएंगी वापस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। अरे मुझे एक काम याद आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। आ जाओ अब ब्लड बेबी, तेरा सारा ब्लड निकालना पड़ेगा मुझे। वेरी फनी, पर मैं तुझ जैसे चीप लोगों से नहीं लड़ सकती जो खुद दूसरों के भरोसे हों। व्हाट डू यू मीन? अच्छा, ये पोसाइडन ने बताया होगा तुमको। हाँ हाँ, इनको छोड़ो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं मिल जाती? BGMI की रानी बना दूंगा तुमको। पहले मेरी पावर्स वापस कर फेरो, इस एक्स वेपन को ख़त्म करके फिर बनना किंग और क्वीन तू। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी गैंग में आने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम इनकी पावर्स वापस कर दो तो ही मैं आऊँगी। पागल समझ लिया क्या तुमने मुझे? अगर मैंने ये वेपन ख़त्म कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, पूरे BGMI का किंग है फेरो अब। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो हुआ वो भूल गया उसे? तुमको इनकी पावर तो वापस करनी ही होगी, नहीं तो मुझे इनके साथ मिलकर तुमको हराना पड़ेगा। मेरे पास इससे भी बढ़िया प्लान है, हम तीनों साथ मिल जाते हैं, मुझे बस काला दी गैंगस्टर को हराना है। तुम उसको हराने में मेरा साथ दो, फिर मैं अपने आप एक्स वेपन को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पर इस बार अपनी जुबान पर टिके रहना, कहीं काम होते ही फिर से बदल जाए तू पिछली बार की तरह। अब की बार इसे नहीं बदलने देंगे, क्योंकि अब की बार ब्लड बेबी जो साथ है। अबे इसकी बहन को नमन, सब खत्म हो गया अब तो, ये तो तीनों साथ मिल गए, अब तो हम इनको किसी भी हालत में नहीं हरा सकते। अभी सबसे अच्छा मौका है फॉल बैक करने का, यहाँ इरेंगल से निकलने में ही फायदा है बिडू, भाग ढूंढू भाग। काला भाई, सब खत्म हो गया, वो फेरो और वो नई मम्मी वाली लड़की साथ मिल गए, और वो पोसाइडन भी उन्हें के साथ था, हम उनको नहीं हरा सकते। मैं तो वापस जा रहा हूँ, आप देख लेना अब जो करना है। अरे वापस भागने से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ रहकर उनका सामना करना है, अभी भी हम उनको हरा सकते हैं अगर दिमाग से काम ले तो। हमारे पास सनी देवल का वो आइडिया अभी भी बचा है, नकली मम्मी गैंग वाले बंदे को भेजने वाला। अरे वो प्लान काम करे या ना करे, रिस्क है भैया,
हमें कुछ नहीं पता, आप ही करो अब उस प्लान पे काम। अगर काम कर गया तो एक्स वेपन ले लेना, हम अपनी जान अब खतरे में नहीं डाल सकते। मैं चला वापिस, बाय बाय टाटा। और चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, मैं रोकूंगा नहीं, पर काला दी गैंगस्टर को कोई हरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है यहाँ इरंगल में। क्या हुआ बॉस? वो साला ब्लड रेवन भी भाग गया पीठ दिखाकर। अब बस अपने पास एक रास्ता बचा है, तू मम्मी की ड्रेस पहनकर उनकी गैंग में मिल जा और जाकर मौका मिलते ही उसके एक्स वेपन को उठा ला या फिर उसको खत्म कर दे। ओके बॉस, मैं तैयार हूँ, पर अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? नहीं कर पाए तो फेरो BGMI का किंग बन जाएगा। किंग तो वो अभी भी है, हम उसे हरा थोड़ी सकते हैं अब, हम तो बस उसको किंग से नीचे उतार कर अपने आप को किंग बना रहे हैं। अबे तू दिमाग का पकोड़ा मत बना और जाकर काम पर लग जा, ये काम अपने को पूरा करना ही होगा कैसे भी करके। जा जल्दी ड्रेस बदल के वहां पर पहुंच जा और ध्यान से जाना। ओके बॉस, मिशन काला दी गैंगस्टर को वापस किंग बनाओ शुरू करते हैं। चलो मिलिट्री बेस में तो पहुंच गए, अभी चुपके से जाकर उसके गेट पे खड़ा हो जाता हूँ बॉडीगार्ड की तरह, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर इनको एक दो दिन देखूंगा क्या क्या करते हैं ये, इनके शेड्यूल को मॉनिटर करना होगा, एंड फाइनली उसके बाद मौका मिलते ही इनके एक्स वेपन को उठा लेंगे। अरे वेट वेट वेट, मैंने तो सारे मम्मी गैंग वाले मार दिए थे ना, पर तू कहां से आ गया? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अभी की अभी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा आप सभी के सामने। और गाइज न्यू स्टेट भी आने वाला है, न्यू स्टेट में भी हमारी शॉर्ट फिल्म आएंगी, आते ही हम पहले ही मतलब टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह कुछ बढ़िया सी एक शॉर्ट फिल्म लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो न्यू स्टेट का भी वेट रहेगा, 11 तारीख को आने वाला है, तो उसके बाद में मतलब न्यू स्टेट पे ही देखेंगे या फिर BGMI में देखेंगे, कमेंट करके हमें ये बात जरूर बताना। और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाले शॉर्ट फिल्म देखने के लिए, और GTA 5 की वीडियोस देखनी है या फिर और जो गेम प्ले वगैरह TDM मैचेस वगैरह देखने हैं तो मैं फेसबुक पेज पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना फेसबुक पेज को। तो यार आपने शूटिंग तो बहुत देखी होगी, मतलब वीडियो स्टोरी वाली तो बहुत देखी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये होती कैसे शूटिंग। तो गाइज हम डिस्कॉर्ड में सभी बंदे बैठ जाते हैं और ये देखो ये वाला बिहाइंड द सीन से देखो आप, ब्लॉपर्स मान सकते हो इसको। तो मतलब ये वहाँ का बिल्कुल सीन, मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब सिंगम का जो गाड़ी का स्टार्टिंग है, इस वाली वीडियो का स्टार्टिंग का सीन था वो यहाँ का है, मतलब बाद में हम फन करते हैं बहुत ज़्यादा, आप भी ज्वाइन कर सकते हो ये सब सीन के लिए। तो ये वाला वो सीन है जब सिंगम का बॉस को टेरर गाड़ी से गिराता है ना, वो देखो ये बहुत रीटेक हुआ भाई, बहुत देर में जाके ये सीन हुआ था हमारा, मतलब कई बार गाड़ी टाइम से नहीं गिर रही थी, कई बार टक्कर नहीं लग रही थी, लेकिन फाइनली हमने कर ही दिया था, थोड़ी बहुत सही से टक्कर लग गई और ऊपर से गाड़ी फिर हमने पहाड़ से गिराते हुए दिखाई। तो मतलब अलग अलग सीन होते हैं, मज़ा आता है। आप सभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको ना डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, और वहाँ पे रूल्स हैं कुछ शूटिंग में आने के लिए, वो सभी आपको फॉलो करने रहते हैं। तो ये वाला सीन वहाँ पे है जब मतलब वो जब ब्लड रेवन कॉल करता है ना काला दी गैंगस्टर को, तो यहाँ पे वो सीन किया था क्योंकि जोन बन गया था, तो यहाँ पे फिर ये गाड़ी फंस गई थी हमारी, यहाँ से निकल नहीं रही थी, तो दोबारा जोन मतलब रूम बनाना पड़ा था। तो मैं मारने लग गया था इनको और इन्होंने गन से मेरे को ही मार दिया, क्योंकि मेरे पास गन होती नहीं है और मेरे कंट्रोलर भी हाइट रहते हैं तो मैं किसी को मार ही नहीं पाता। तो ये वाला सीन है, वहाँ से फिर नेक्स्ट रूम स्टार्ट किया, वहाँ से इनका सीन किया, और यहाँ से फिर हम जा रहे थे मिलिट्री बेस में फेरो का सीन करने के लिए। तो ये देखो काला दी गैंगस्टर उसके साथ बैठा है, मैंने मम्मी वाला ड्रेस पहनना है, और ये मतलब जो फेरो है ऊपर इमोट कर रहा है क्योंकि ये मैकलेरिन पे ना डैमेज नहीं हो रहा है, ये न्यू ग्लीच है। तो ऐसे यार बहुत सारे मज़े आते हैं, अगर आप सभी ये ब्लॉपर्स वगैरह देखना चाहते हो ना तो आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर डालना स्टार्ट करेंगे हम, और कमेंट करके बताना कि डालें या ना डालें बिहाइंड द सीन्स ब्लॉपर्स की वीडियोस आपको चाहिए या ना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।